ठीक गाइस, हम लोग अभी रूम से निकल रहे हैं और अपन लोग चिड़ियाघर जाने वाले हैं। चिड़ियाघर कहाँ पे है भाई? पता नहीं भाई, डायरेक्ट कौन से इनको भी नहीं पता है। अपन लोग डायरेक्ट चल के वहीं से देखते हैं और आपको आगे का लोकेशन दिखाते रहेंगे। तो गौरव भाई, ताला वाला लगा दिया करो। ये गौरव भाई अपने रूम में कभी ताला नहीं लगाते हैं, तो आप लोग कभी भी आके आराम कर सकते हैं यहाँ पे। अवैध कब्जा करके रोड बनाई जाती है, बिल्डिंग बनाई जाती है, तो यहाँ पे ये हाल होता है। शोरूम था अच्छा खासा बड़ा सा, इसको गिरवा दिया गया है। ये बैन भी हो गया, बैन भी हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, गेट उधर साइड है। अपन लोग चिड़ियाघर पहुँच चुके हैं और बस गौरव भाई के दो फ्रेंड लोग और आ रहे हैं। जैसे वो आ जाते हैं तो फिर अपन लोग अंदर चलते हैं। देख रहे हैं गौरव भाई को बहुत ही गर्मी लग रही थी, उन्होंने अपनी गर्मी मिटाने के लिए आइसक्रीम खाया। तो फाइनली गाइस, हम लोग चिड़ियाघर के पास आ चुके हैं। वो जो आप लोग को मछली दिख रही होगी, वो क्या कहते हैं इसको? हाँ, अच्छा, डॉल्फिन। ये है चिड़ियाघर। ऊपर हाथी, घोड़ा और क्या है, सांड और बंदर का तस्वीर है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो हाथी है और ये बंदर है, ये रियल नहीं है, फेक है। ताकि आप गौरव भाई आ रहे हैं टिकट लेने, टिकट घर। अपन लोग देसी है विदेशी है भाई? हाँ, देसी है विदेशी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये चार्ट है, पेमेंट चार्ट। नहीं, हम लोग चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं, लेकिन चिड़िया तो दिख नहीं। अरे चिड़िया है यार। तो चिड़िया आ चुकी है, लेकिन ये उड़ नहीं रही है भाई, घूम रही है वो। तो ये है कुछ नज़ारा घुसते ही। ये देखो, पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, राहगीरों को चलने के लिए मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छाया में आराम से चल सकते हैं, जिससे थकेंगे नहीं, और थकेंगे नहीं तो बैठेंगे नहीं, चलते रहेंगे और जल्दी जल्दी आएंगे और जल्दी जल्दी जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा जेब कतरों से सावधान। मुझे लगता है इनकी फोटो, ये लोग क्या जेब से चोरी हो गया है पैसा। ये भाई कौन से जानवर भाई? छोटू, ये कुत्ता है भाई। ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे सो रहा हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे भेड़िया लग रहा मेरे को, जंगली भेड़िया। इसका नाम जंगली भेड़िया। उनके चलने की शक्ति खत्म हो चुकी। जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये गिरगिट है, अपना रंग बदलता रहता है। अरे इंग्लिश में होगा, हिंदी में गिरगिट ही बोलते हैं, मगर वो कहते हैं क्या इसको गौरव भाई? ये है तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी है और कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा। आंटी जी बहुत प्यासी थी तो यहाँ पे कुल्ला कर रही है। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत सारे शीशे हैं, इसमें आदमी का जो शरीर है। ऑटोमेटिक शीशे, शीशे में तो उल्टे दिख रहे हैं यार। इसमें किस तरह दिख रहा है गौरव भाई? कद नीचे रखो अपना, इसमें कद ऊपर। लोग देखे होंगे कि अभी शीशा उसा दिखाए हैं, बहुत टाइप के शीशा जिसमें आदमी का आकार बदलता रहता है। अब ये शुतुरमुर्ग देख लीजिए। कि आप लोग देख रहे हैं, चूहा है, विदेशी चूहा है। और
पढ़ लो, बाकी आप लोग पढ़े लिखे ही होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शुतुरमुर्ग है, यही जो था कि सीता माँ को बचाया था उड़ते हुए। ये देखिए शानदार नजारा, इतने प्रकार के तोते आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। आप लोग को बहुत ही तकलीफ में दिख रहा है, अभी लग लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं अभी। एक ही इधर सांप है ना, कि आप लोग देख रहे हैं कि सांपों का बाप है ये। क्या है, है क्या पाइथन अजगर, ये सभी अजगरों का मतलब पिताजी है ये। जिंदगी भर पिजड़े में क्या था बेचारा, क्या करे। ऐसा कि यहाँ पे ये जो सांप है तो गायब हो चुका है, कहीं गौरव भाई बाहर तो नहीं आ गया वो। ये सांप ही नहीं दिख रहा है, इसकी चमड़ी खिल गई है। ये रेड है, ये ब्लैक। सांपों को ऐसा कहा जाता है कि लोग के चाबने से इंसान नहीं मरता है, लेकिन इंसान के चाबने से ये जरूर मर जाते हैं। ये क्या है, रसर वाइपर। इसमें कितने सांप, गौरव भाई तुम ये बता दो इसमें कितने सांप है, तो मैं तुम्हें बताऊं 10 रुपए दूंगा। दो नहीं है उसमें, दो नहीं है, अगर तुम बता दो कितने सांप है तो मैं बताऊं। ये इंडियन कोबरा है, डर रहे हैं सांप गौरव भाई तुमको देखकर। हाँ, ये है ब्रांडेड क्रेट। क्या है भाई, पढ़ दो थोड़ा। क्रेट बहुत ही तगड़ा, मतलब फुर्तीला होता हो पक्का। बहुत ही पतला दुबला, बहुत ही पतला दुबला सांप है, लगता है कई दिनों से खाया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ भी कम है। कि आप लोग देख नहीं देख पा रहे होंगे, पानी में है प्लस पेड़ में चढ़ा है, क्योंकि आज ब्लू है पानी पानी चटोरे ला। अच्छा मुर्गा, रेड जंगल हो। ये मगरमच्छ के बच्चे हैं गौरव भाई, इसको लेके चलो पेड़ बना लेते हैं। मरा हुआ है वो मगरमच्छ के पिताजी से मिलिए, ये मगरमच्छ की माता है और ये उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। उधर फोटो खिंचवा लो गौरव भाई जाके वहाँ पानी में ऊपर। ये क्या, बहुत गंदा आ रहा है, लगता है 4 दिन से नहाया नहीं। अच्छा ये मगरमच्छ के दादाजी हैं और ये छोटी वाली जो है दादी है। इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसे पंख रहा ही नहीं, बंद कर दिया उनने पास। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये चीतल है, लेकिन दिख ही नहीं जैसे रहे हैं। ये दो परिवार थे तो आपस में इनका बंटवारा हो गया है, उधर साइड दूसरे मतलब बड़े पापा के लोग रहते थे, अब इधर छोटे पापा हैं। दोनों में हिस्सा बढ़ गया था दोनों में,
और बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी जिसके कारण इनको अलग अलग कर दिया गया है। ये तो एकदम अरे रही है। अरे दूर लगा रहा है हिल ना हिला दे। भाई ऐसे खड़े हैं ऐसे सावधान की मुद्रा में चले। इनके पंख भी हैं यार। ओ माय गॉड ये उड़ सकते हैं। गौरव भाई ये उड़ सकते हैं। नाम इसका थोड़ी है वो लिखा नाम पर। अब तुम लोग देख रहे हैं कि ये हिरन है बहुत छोटी है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। उधर बहुत सारे हिरनों के बच्चे हैं। सीता माँ इन्हीं के पीछे गई थी। वो है एक ठो हमारे गांव में सीआर बोलते हैं वो चिल्लाता है और जयकल सीआर जो रात में नहीं मतलब चिल्लाता करता गौरव भाई वही है। ये देख रहे हैं ये भाई ऐसे फोटो लेट के खींच रहा है एकदम। ये तो मेरे को भी फेल कर दिया गौरव भाई। ये ऐसे एकदम लचक कमर ना टूट जाए ब्रो। उठ जा उठ गया। सभी रोमियो रोमांस कर रहे हैं। फाइनली जिस चीज़ का गौरव को इंतजार था वो चीज़ आ चुका है। ये भाग गया डर गया ये भुकुर गया तुमसे गौरव भाई। वो जो बैठा है एकदम बब्बर शेर है वो। बोल दो सब बोल दो। यहाँ से पूरा एकदम बहुत ही अच्छा दिख रहा है और नहाने का मन पड़े तो आप इस पानी में नहा भी सकते हैं। बस यही है हो गया हो गया। दिल्ली में था जो गिर गया था। ये देखो से फाइनली गाइज हम लोग बहुत घूमे हैं और गौरव भाई के अब पैरों में जान नहीं रही है। अब उनको चलने में बहुत तकलीफ हो रही है तो मैं मुंह लाना भूल गया था नहीं तो उनके पैर में मार देता। तो अब अपन लोग बस घूम फिर लिए हैं। बस गौरव दिख रहा था। बस थोड़ा बहुत और घूमेंगे इसके बाद फिर रूम चले जाएंगे और रूम में खाएंगे पिएंगे फिर सो जाएंगे जैसा कि हर कोई करता है। लेकिन ये बताना इसलिए कि ब्लॉग भाई वीडियो बड़ा करना क्यों है रहा भाई है कंटेंट के नाम में कुछ नहीं है इसीलिए थोड़ा इसी को बढ़ा चढ़ा के बोलता रहता हूँ। हमने लगता है पाइप लीक हो गई है। पाइप नहीं फब्बारा है। अच्छा फब्बारा है। फब्बारा है जिससे कि बहुत ज़्यादा वो निकल रहा है पानी। अब गौरव भाई की इच्छा पड़ रही है कि मेरी फ़ोटो खींच दो अंकित लेकिन अब मैं नहीं करूँगा। जिस चीज की घड़ी का इंतजार था वो हम लोग को दिख चुका है। कितने सारे लॉयन आराम कर रहे हैं सोने दो। हेल्प की वीडियो बनाने के बाद जानते हैं।
जानवर की हालत क्या है। ये पूरे ज़ू में जो चलता फिरता है, गुस्सा आ जाएगा तो अभी पेड़ वेड़ उखाड़ के फेंक देगा। फाइनली गाइज अभी हम लोग पूरा एकदम घूम उम चुके हैं और गौरव भाई के फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि मेरा वीडियो मतलब मत डालना, मेरे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी और उनके इसलिए उनका अपन लोग नहीं दिखाएंगे फेस वोस। अपन दोनों लोग बस भाई गरीब लोग हैं, गरीब ब्लॉगर। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दबा के लाइक ठोको महाकाल की कृपा से, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।